हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्टर्स किचन। फ्रेंड्स, आपने बेड़वी आलू तो बहुत तरीके से बने हुए खाए होंगे। आज हम बेड़वी आलू एक नए तरीके से बनाएंगे और ये बेड़वी बहुत ही न्यूट्रिशन और हाई प्रोटीन की होंगी। आपको पता ही है कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो आज हम अपनी बेड़वी एक नए अंदाज में सोयाबीन से बनाएंगे। आइए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने लिया है रात भर भिगोया हुआ उबला हुआ सोयाबीन, आटा, सूजी, ऑयल, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेड़वी की पिट्ठी के लिए आधे सोयाबीन को ग्राइंडर में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। इस तरीके से अब ग्राइंडर में बाकी बचे हुए सोयाबीन को ले लेते हैं और जिस पानी में हमने सोयाबीन उबाला था उस पानी के साथ एक लूज पेस्ट बना लेते हैं। अब हम बेड़वी के लिए आटा माड़ेंगे। उसके लिए एक कप आटा लेंगे और इसमें 3/4 कप सूजी मिलाएंगे। अब इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। सबसे पहले 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच चाट मसाला। अब मसालों को आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसमें अब हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आटे में जो हमने सोयाबीन का पेस्ट बनाया था उसको धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि मैंने आटे में 3/4 कप सूजी इसलिए मिलाई है जिससे कि हमारी बेड़वी खस्ता और करारी बने। और क्योंकि इसको हमने सोयाबीन के पेस्ट से मारा है इसलिए बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भी है। अब हाई प्रोटीन बेड़वी का आटा तैयार हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। जब तक आटा सेट होता है तब तक पिट्ठी की तैयारी कर लेते हैं। अब सोयाबीन के दरदरे पेस्ट में हम 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला मिला लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च मिलाएंगे। अब सभी मसालों को पिट्ठी में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पिट्ठी हमारी ड्राई ही हो, गीली ना हो। अब 10 मिनट हो गए हैं और आटा भी सेट हो गया है। अब हम बेड़वी बनाना शुरू करते हैं। अब कचौरी के लिए आटे में से एक लोई तोड़ लेते हैं। अब उसका पेड़ा बनाकर सोयाबीन की पिट्ठी को उसमें भर देते हैं। देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिट्ठी ड्राई ही होनी चाहिए। अगर किसी वजह से पिट्ठी लूज होती है तो यहाँ पर हम सोया चंक का पाउडर बनाकर भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। इससे पिट्ठी थोड़ी ड्राई हो जाएगी और बेलते समय कचौरी फटेगी नहीं। इस तरह से कचौरी की सारी लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सभी लोइयों को बेल लेते हैं। बेलते समय हमें ध्यान रखना है कि हम लोइयों को हल्के हाथों से और थोड़ा मोटा बेलें। सोयाबीन की कचौरियाँ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं और इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होने की वजह से ये बहुत ही पौष्टिक भी हैं। सारी बेड़वी हमने बेल ली है, अब हम इन्हें तल लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। अब सभी बेड़वी को हम
मीडियम हाई फ्लेम पर एक एक करके तलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सोयाबीन की बेड़वी स्टफ करके बनाई है। आप चाहें तो बिना स्टफ करे हुए भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने जो आटा माड़ा है वो सोयाबीन से ही माड़ा है। ये उतनी ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेंगी। देखिए, हमारी गर्मा गर्म फूली फूली खस्ता बेड़वी बनकर तैयार हो गई हैं। आइए अब हम इनको आलू की रसेदार सब्जी और घर के बने नींबू के अचार के साथ सर्व करते हैं। सोयाबीन की हाई प्रोटीन बेड़वी आप भी बनाइए और सबको खिलाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।